आज हम देखने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्योरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो अलग अलग लेवल्स में अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है। जैसे वेरी फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीन में कुछ ही नहीं है कि स्क्रीन होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, अब वाटर को वहां से फ्लो कराया जाता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पार्टिकल्स नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो पानी के साथ फ्लोट होती रहती है। हो सकते हैं पत्ते, लीव्स हो सकती है, वुडन हो। तो जो पानी के साथ फ्लोट हो रहा है उस होल्स के थ्रू क्या होगा कि पानी फ्लोट हो जाएगा एंड वो जो मटेरियल्स है वो वहाँ स्टोर हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे छेद होते हैं कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है वुडन का, इन सब पीसेज का, तो उन होल से पानी निकल जाता है बट वो पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं। तो स्क्रीनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर बड़े बड़े आपके पानी को फिल्टर किया जाता है बड़े बड़े पार्टिकल्स के केस में। सेकंड होता है सेडिमेंटेशन, जिसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, हो सकता है मिट्टी के कण हो, वो छोटे छोटे छेदों के या छोटे छोटे होल्स के थ्रू निकल जाते हैं बट स्क्रीनिंग में वो उसका फायदा नहीं हो रहा। तो वी हैव सेडिमेंटेशन, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपने पास इस तरह से बड़ा सा टैंक होता है। ठीक है, उस टैंक में अपन पानी को लेके आते हैं। ठीक है, पानी फ्लो होता है लेकिन हम इस टैंक में क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं। वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास बफे आपकी वॉल्स होती है। ठीक है, ये वॉल्स क्या करती है, अलग अलग वॉल्स पानी की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देती है। अब जितनी देर वहाँ पानी फ्लो होता है ना, उतना ही ग्रेविटी उसको पार्टिकल्स को नीचे खींच लेती है। यहाँ पे वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और इस वाले एरिया से अपन उसको बाहर निकाल देते हैं स्लज आउटलेट के थ्रू। बट जो पानी है वो आउटलेट चैनल से बाहर निकल जाता है एंड ये बफले वॉल्स आपकी यहाँ पर इसको रोक के रखती ताकि वेलोसिटी कम हो जाए। नाउ सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन एक केमिकल होता है। आपको जैसे समझाऊं कि जैसे कोई फाइन पार्टिकल्स होते हैं सिलिका के या क्ले के या ऑर्गेनिक मैटर्स के, वो क्या होते हैं कि सेडिमेंटेशन के थ्रू हट नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या होता है, एक सर्टेन केमिकल्स के थ्रू ही हटाया जा सकता है। क्योंकि ये पार्टिकल्स होते हैं जो सिलिका के हुए या फिर क्ले के हुए, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन्हीं के साथ बह के चले जाते हैं। ग्रेविटी उनको इतना नहीं खींच पाती है, उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो वेट कम होने के कारण वो पानी के साथ फ्लोट हो जाते हैं, उनको नीचे नहीं रोक पाते अपन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कोगुलेंट होते हैं केमिकल्स, तो कोगुलेंट अपन यूज करते हैं। कोगुलेंट बेसिकली देखो, फॉर एलम होता है, आपने सुना होगा, एक सोडियम एल्यूमिनेट होता है, एक मोर सोल्ट होता है, मोर का सोल्ट Fe4.7H2O NaAlO2, इसी प्रकार K2SO4 Al2SO4 324H2O Lm हो गया। तो ये क्या करते हैं, अगर इन केमिकल्स को अपन उसके साथ मिला दें तो क्या होगा, वहां पर एक फ्लो जनरेट होता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिलिका एंड क्ले एक्ट एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स एंड कैरी नेगेटिव चार्जेस। अब ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन समझो कि जो भी सिलिका या क्ले के पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण वहां पे क्या होता है कि वो आपस में कंपाउंड, सबके नेगेटिव नेगेटिव, तो आपस में कंपाउंड नहीं हो पा रहे, कंपाउंड नहीं हो पा रहे, तो वो कभी एक बड़ा पार्टिकल नहीं बन पा रहा है, बड़ा पार्टिकल नहीं बन पा रहा है तो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसीलिए कोगुलेंट को वाटर में मिक्स करते हैं जिससे अपने जिलेनियस प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको फ्लोक कहते हैं। अब ये फ्लोक क्या होता है, ये फ्लोक भारी हो जाता है। अब ये भारी फ्लोक जो है, फॉर एग्जाम्पल अपन एलम लेते हैं, एलम लिया अपन ने Al2SO4 Hol3, जिसको अपन ने वाटर में डाला, वाटर के अंदर ये आपकी कौन सी टेम्पररी हार्डनेस है। ठीक है, इसके साथ आपकी रिएक्शन करी, यहाँ पे फ्लोक जनरेट हुआ और ये एक्स्ट्रा पार्टिकल्स। ठीक है, अब वो फ्लोक है ना, जो आपके सिलिका एंड क्ले के जो फाइन पार्टिकल जिनको आप बोलते आ रहे हो सिलिका क्ले के, तो उनके साथ अब ये रिएक्शन करेगा तो एक बड़ा फ्लोक जनरेट करेगा। अब साइज बड़ा है तो ग्रेविटी उसको नीचे गिर लिया, आजा बेटा नीचे, आजा नीचे, आजा बेटा नीचे, आ गया तो नीचे आके सेटल डाउन हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर एक स्लो एंड जेंटल स्टरिंग ऑफ वाटर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थिक फ्लॉक। धीरे धीरे पानी को मिलाने का, उससे बहुत बड़े साइज के फ्लोक जनरेट होंगे एंड वी आर एबल टू डू द सेटल डाउन दैट पार्टिकल्स एंड अपना पानी फिल्टर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप आता है फिल्ट्रेशन और फिफ्थ आएगा आपका डिसइंफेक्शन या फिर स्टरलाइजेशन। तो देखते हैं अपन अब फिल्ट्रेशन। नाउ सी द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इट इज अ प्रोसेस बाय रिमूविंग द इनसोल्यूबल कोलाइडल
एंड द बैक्टीरियल इम्प्योरिटी. अब तक अपन ने मोटे पार्टिकल्स हटा दिए, छोटे पार्टिकल्स हटा दिए, माइनर पार्टिकल्स हटा दिए जिसमें सिलिका ग्ले सब आ गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया एंड कोलाइडियल इम्प्योरिटीज डेट ऑल्सो नीड टू रिमूव फ्रॉम द वॉटर. सो उसके लिए तो है हमारे पास फिल्ट्रेशन. देर आर द टू टाइप्स ऑफ द फिल्ट्रेशन, ठीक है. पहला है ग्रेविटी सैंड फिल्टर. ग्रेविटी रोल प्ले करेगी जिसमें सैंड फिल्टर यूज करें, मिट्टी की एक लेयर यूज करेंगे. सेकेंड आपका है प्रेशर फिल्टर, जो प्रेशर अप्लाई करेगा, कंप्रेस करेगा, पंप करेगा, उससे फिल्टर होगा. नाम से पता चल रहा है? अब लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा. अब आ जाओ डीप में लिखना, इसके बाद आपको मजा आ जाएगा. देखो ग्रेविटी सैंड फिल्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर लेवल है सबसे पहले. इसके बाद तीन लेयर है. फाइन सैंड लेयर सबसे पहली लेयर है जिसमें मिट्टी की एक लेयर बनी है. सेकेंड है कोर्स सैंड, थोड़ी डार्क सैंड आती है, ठीक है. थर्ड है ग्रेडल्स, ग्रेडल्स में छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं. इसके बाद ये ड्रेन आपके चैनल्स होते हैं जहाँ से फाइनली फिल्टर की जो पानी निकलता है वो इन वाले चैनल से निकलता हुआ आउटलेट के थ्रू बाहर निकलता है. इन कहाँ से होता है? वाटर इनलेट के थ्रू. नाउ सबसे पहले वाटर इन होगा, वाटर लेवल ये रहा आपका, यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल है वाटर का, इसके नीचे नीचे रहेगा. उसके बाद फाइन सैंड में जाएगा, कोर सैंड में जाएगा, ग्रेडल में जाएगा, तीनों से फिल्टर हो गए. फाइनल फाइन सैंड और इसमें क्या होता है, जितने भी आपके बैक्टीरिया है, कोलाइडियल इम्प्योरिटीज है, वो यहाँ पे रुक जाती है फाइन सैंड के अंदर और इनके अंदर, ठीक है. रुक गई आपकी, अब वाटर जो फिल्टर होता जा रहा है पर लेयर के बाद में वो फाइनली यहाँ से आउटलेट हो जाएगा. बट क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती है जिससे समटाइम आपका फाइन सैंड ब्लॉक हो जाता है. अब ब्लॉक्ड हो गया तो इसको आपको पता है रिप्लेस ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि साफ करके लगा लो, नया लगाना पड़ता है इसमें. तो फाइन सैंड एक रिप्लेस होता है नए वाले के साथ में. जब ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है तो नया पानी अंदर नहीं आ पाता है क्योंकि वो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं जो भी होता है इसमें वो ब्लॉक कर देते हैं इम्प्योरिटीज के कारण. सो वी नीड टू रिप्लेस दिस फाइन सैंड इन टू द ग्रेविटी सैंड फिल्टर. बट वाइल इन द प्रेशर फिल्टर बेटा इसका सिस्टम अलग है. सिस्टम इसका है नीचे से ऊपर जाने का. ओके, तो इट इज ए सिलिंड्रिकल वर्टिकल स्टील टैंक जिसके अंदर तीन चीजें हैं मेन, पेबल्स, कोर सैंड एंड फाइन सैंड. सबसे पहले वाटर होगा यहाँ से इन. ओके, यहाँ आएगा, यहाँ पे एयर का कंप्रेस होगा, प्रेशर फुल प्रेशर के साथ आ जाएगा. उसमें पेबल्स में जाएगा, कोर सैंड में आएगा एंड फाइन सैंड में आएगा. एक आपकी लेयर यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलम, एलम का छोटा सोल्यूशन यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू पानी प्योरली फिल्टर हो जाता है एंड वाटर रॉ मटेरियल यहाँ से डाला जाता है. एंड फाइनली यहाँ से जब आप पानी ऊपर आया, अब इसको आप प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो नीचे आएगा एंड यहाँ पर ये वाटर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा. इन इस केस में क्या होता है, जैसे बहुत सारे आपकी इम्प्योरिटीज यहाँ पर आके भी ब्लॉक हो जाएगी फाइन सैंड इनके अंदर. अब जब ये ब्लॉक हो जाती है ना तो आपको इसमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू डू बैक वॉशिंग. ओके, सो वी नीड टू डू बैक वॉशिंग व्हेन द फिल्टर इज ब्लॉक्ड. So this is our vertical pressure filter and this is our gravity sand filter. Now we will see the sterilization and the disinfection. Of the water. Basically ये कैसी process है? ये कैसी process है जो आपके microorganism, ठीक है, microorganism की बात कर रहे हैं, and the pathogenic bacteria जो present होते हैं water में उनको kill करती है, यानी कि सूक्ष्म level पे जाके उनको kill करने का काम कर रही है. So इसके अंदर जो chemicals use किए जाते हैं उसको बोलते हैं disinfectants and sterilizers. Okay, so इसके अंदर different processes है. वन बाई वन देखते हैं. बॉइलिंग बेसिकली उस पानी को गर्म कर दो आप, जिससे क्या होगा कि जितनी भी डिजीज होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया की वो किल हो जाएगी. तो इस ये काम तो यार अपन घर पर भी करते हैं. येस, सो बेसिकली इट इज मेड फॉर दी हाउस होल्ड्स. अपन बड़े बड़े म्यूनिसिपल टाउन्स के अंदर ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि देर इज नो गारंटी नहीं कि वो कंटेमिनेट नहीं होगा दोबारा से बॉइल करने के बाद. तो ये केवल हाउस होल्ड के लिए ही सही है. सेकंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट बहुत बढ़िया चीज है. ये क्या करती है, मर्क्यूरी वेपर लैंप्स होते हैं जो आपके क्वार्ट्ज बल्ब में एनक्लोज्ड होते हैं, वो आपके यूवी रेज की तरह एक सोर्स बनते हैं जो यूवी रेडिएशन निकालते हैं. एंड यूवी रेडिएशन के थ्रू बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्प्योरिटीज वाटर से रिमूव की जाती है. बट ये कॉस्टली है एंड बढ़िया बात बताऊँ, इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द टेस्ट एंड ऑडोर. दोनों चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो बढ़िया चीज़ है. थर्ड है एरेशन. एरेशन इज जस्ट लाइक ए सिंचाई. ओके, सिंचाई तो होता है. ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग वाटर इन अ फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट इन टू द एटमोस्फेयर. क्या होता है कि नोजल्स होते हैं, नोजल से पानी
जैसे खेतों में सिंचाई होती है वैसे पानी निकलता है। अब क्या होता है, वो एयर होती है, ठीक है, पानी का होता है सबसे पहले टैंक में होता है, वहाँ से नोजल से बाहर निकलता है, ओके, बाहर निकल रहा है, एयर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एंड रिएक्शन करने से देखो यहाँ क्या हुआ, व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इज एक्सपोज टू द यूवी रेज, क्योंकि धूप आ रही होगी, टू द सी ऑफ सीन, दिस किल्स द बैक्टीरिया एंड ऑक्साइडेज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वॉटर, सो द प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन टू द सेपरेट टैंक। तो यहाँ से वो ट्रेन आप देख पा रहे हो नोजल के थ्रू बाहर आ रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है एंड वो ऑक्साइड हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, जर्म्स वायरस किल हो जाते हैं, एंड वो पानी फिल्टर होकर नीचे आप टैंक में स्टोर कर लो। फोर्थ है ओजोनाइजेशन, ओजोन लेयर का नाम सुना है, बस O3, ओके। नाउ सोचो अगर पानी है, कोई पानी के अंदर मैं ओजोन को पास करा दूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, H2O है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका ओजोन क्या होता है, डीकम्पोज होकर O2+O बनाता है, जो ओ बनता है ना ओ, वो होता है आपका नॉसेंट ऑक्सीजन, जिसको अपन बोलते हैं नॉसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो नॉसेंट है, नेसेंट बोलते हैं, नॉसेंट बोलते हैं, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है विच ऑक्साइडेज एंड किल जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, ओके। सो ये देखो एक टैंक बना हुआ है, ठीक है, ये पानी आ रहा है, यहाँ से O3 इनलेट है, तो O3 अंदर जाता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है, डीकम्पोज होता है, ओ बनता है। अब ये ओ जब है ना जम्स के कॉन्टेक्ट में आता है, जो पानी के अंदर मौजूद है, वहां से रिएक्शन होती है और जम्स आर ऑक्साइडेड। नाउ लास्ट इसमें बनता है अपना क्लोराइजेशन, ठीक है, जो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब तो है ही, लेकिन इसके ऊपर सेपरेट ही क्वेश्चन बनता है, न जाने क्यों इतना फेवरेट है लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।